हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं आज कंपैरिजन करने दो वॉचेस का। एक तरफ है ऑल्ट की प्रो ओजी, ओजी प्रो बेसिकली, ठीक है, और एक तरफ है फायरबोल्ट की स्टारडस्ट। तो दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे। एप्पल वॉच सीरीज एट अल्ट्रा की कॉपी है और ये आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन मिलती है। और गाइज़ ये आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलती है, लास्ट मीडियम टू थिनेस्ट पे चल जाती है। एक बड़ी डिस्प्ले के साथ आती है, 1.95 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आती है, 1.93 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आती है। यहाँ पे एप्पल का लुक मिलता है, पूरा का पूरा कॉपी किया गया। सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है, डबल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है, और साथ ही में यहाँ पे ग्रिल जो इसका बहुत ही कमाल का लगता है इधर की साइड से, और डेडिकेटेड सेंसर के साथ नहीं आती है। और रेड एक्सन का सेंसर मिलता है, ग्रीन एक्सन का सेंसर मिलता है, इसमें भी ग्रीन एक्सन का सेंसर मिल जाता है आपको, ठीक है। और साथ ही में फ्लैट डिजाइन मिलता है, यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया, ठीक है। एप्लीकेशन अलग अलग है दोनों की। और स्ट्रैप की क्वालिटी मैं कहूँ यहाँ पे फायरबोर्ड की काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू ये कौन सी है ऑल्ट की जो ओजी प्रो है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखने के लिए, हाँ फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे माइक का वेंट मिल जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्पीकर का ग्रिल है, यहाँ पे इधर की साइड तो कुछ नहीं मिलता, प्लेन है। यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है, और माइक का वेंट कहाँ गया, इधर की साइड माइक यहाँ पे गायब कर दिया है फायरबोल्ट वालों ने। माइक कहाँ गया, डोंट नो गाइस, माइक का इसमें वेंट नहीं है कहीं भी माइक का वेंट नहीं मिल रहा है मेरे को। तो हो सकता है, क्या पता है स्पीकर की साइड ही माइक का वेंट हो, डोंट नो, ठीक है। और इस तरीके से मिल जाती है। आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है, ठीक है। ये वाली बेटर लग रही है, ये वाली बेटर लग रही है। सिमेट्रिकल बेल्स तो नहीं मिलते इसमें आपको, सिमेट्रिकल तो नहीं है, थोड़े से नीचे चेन छोटी है, और ये नहीं बराबर ही मिलते हैं मेरे ख्याल से, देखो। और इसमें आपको इसमें भी सिमेट्रिकल मिल जाते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले साइज़ बड़ा होने के बावजूद भी ये कॉम्पैक्ट वॉच मिल जाती है। ये लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, ये लास्ट मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट पे चल जाती है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, आपको मिल जाता है ये जो टॉगल मेन्यू है पूरा का पूरा, D&D मोड है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, ये सबसे बड़ा प्लस है इसमें, इसमें टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे टॉर्च लाइट, यहाँ पे वाटर लॉगआउट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब मेन्यू भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, उसमें भी जा सकते हो, स्पोर्ट्स मोड पे भी डायरेक्टली, और मेन मेन्यू पे भी जा सकते हो, ठीक है। सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे सेटिंग में चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डिमिंग मतलब ब्राइटनेस कंट्रोल, और स्क्रीन टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, और वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाता है कम ज़्यादा करना है, नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे ऑन ऑफ करना है, ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। वॉइस सेव और नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हो, रिंगटोन सेट कर सकते हो यहाँ पे, रिंग कॉल रिंग भी चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन टोन भी, अलार्म टोन भी चेंज कर सकते हो, रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, पिन लॉक है, लॉक भी कर सकते हो वॉच को, स्क्रीन को, और बेड साइड लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और पावर सेवर मोड है, अबाउट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता पहले तो, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ऑटो स्लीप, वॉच फेसेस, यहाँ पे भी 8 मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं उतने, फेवरेट और यहाँ पे रेस्ट टू वेक, ठीक है। यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो मोड्स को, ठीक है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट या वो कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो प्रॉपर्ली, और D&D मोड मिल जाता है फोन कॉल ऑन ऑफ करना है, क्योंकि सिंगल ब्लूटूथ के साथ आती है वॉच ये, ठीक है। मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, और इसमें भी मीडिया ऑडियो ऑफ करोगे थ्रू द फोन, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता चेंज करने का, तो उसके बाद भी कॉल लगेगा, ठीक है, दोनों में ही ये ऑप्शन मिल जाता है। और एज ए शटर स्पीकर दोनों का यूज़ कर सकते हो, दोनों में ही आप सॉन्ग्स को सुन सकते हो द वॉच हेडसेट, ठीक है। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट्स मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में इस तरीके से। लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, और गाइस नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। अब गाइस मेन चीज चेक करते हैं, वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इस बटन से क्या होता है, इस बटन से स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं, ठीक है, इस बटन से मेन्यू पे चले जाते हो आप, ठीक है, डबल टैप करोगे तो मेन्यू भी चेंज होता है इसका, इससे, ठीक है। इसमें आपका नहीं नहीं इसमें मेन्यू चेंज होता है कि नहीं, नहीं इसमें चेंज नहीं होता, बेसिकली इसमें चेंज होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, स्टारडस्ट में ये इससे बटन से शॉर्टकट मिल जाता है, डबल टैप करके मेन्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मेन्यू पे चलते हैं मेन, और चेक करते हैं एक्टिविटी ट्रैकिंग आपको मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में इस तरीके से, स्लीप ट्रैकिंग दोनों में मिल जाती है, हार्ट रेट ओड द एयर चेक करते हैं एक बार, तो दोनों का ही मेन्यू मेरे को सेम लग रहा है आई थिंक, यहाँ पे ओड द एयर चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं बता रही है पहले तो ये, और एक्सरसाइज मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं साथ साथ अगर कर रहे हैं तो, उससे पहले हम सेंसर को चेक कर लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। SPO2 लेवल ओवर द एयर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे सेंसर तो ऑन है, अब देखते हैं यहाँ पे बताते कि नहीं बताता, स्टारडस्ट में अब बंद हो चुका है, यहाँ पे नहीं बता रहे, ठीक है। और गैस यहाँ पे SPO2 के बाद यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, इसमें भी आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाएगा, ECG मॉनिटर भी मिलता है, ECG मॉनिटर तो फालतू का दे रखा है इसमें, कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, और यहाँ पे BP मॉनिटर भी। ओवर द एयर यहाँ पे तो मैक्सिमम वॉचेस नहीं बताती है, बट ओवर द सर्फेस यहाँ पे कुछ वॉचेस बता देती हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे चेक कर दें क्या आप सभी के लिए, देखिए रेस यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, हार्ट रेट चेक करते हैं, हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं बताते कि नहीं बताता, यहाँ पे बता दिया ओल्ड ओजी प्रो ने बता दिया, ओल्ड द सर्फेस यहाँ पे फेल कर चुकी है टेस्ट को, ठीक है। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे ओल्ड ओजी प्रो में बताया था ओल्ड द सर्फेस, यहाँ पे स्टारडस्ट भी बता देगी, होपफुली यहाँ पे बता देगी मुझे लग रहा है, और यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर ओके इसमें भी बता दिया है, टेबल का यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रही है, ठीक है। ये
अब गाइस यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है अबाउट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड हमको चेक करने थे तो यहाँ पे वॉकिंग करके देखते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं क्या यहाँ पे सिनेरियो रहता है। ठीक है स्टार्ट करते हैं 3, 2, and 1। 50 स्टेप्स हमने चल लिए हैं, यहाँ पे 45 दिखा रहा है और यहाँ पे कितने दिखा रहा है 47। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट आपको स्टार्डस्ट मिल जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट, ठीक है एकदम क्लोज टू एक्यूरेट तो नहीं यहाँ पे। ठीक है अब गैस यहाँ पे कहाँ गया, और मेन चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे गेम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 3 गेम्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 5-6 गेम मिल जाते हैं थ्रू द एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये अच्छी बात है। इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फाइंड माय फोन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है यहाँ पे कैलेंडर आपको दोनों में से किसी मिलता है, वॉइस असिस्टेंट तो मिल जाता है और अलार्म इन द वॉच रिसल आप लगा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेदर अपडेट्स है, यहाँ पे आपको फोन का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म इन द वॉच इटसेल्फ इसमें भी लगा सकते हो, नो इसमें अलार्म इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते, एप्लीकेशन से लगाना पड़ेगा, बट रिंग बजती है जब अलार्म आते हैं, अलार्म जब बजता है इसमें। ठीक है तो ये अच्छी बात है। रिसेप्ट कोड यहाँ पे रख सकते हो, होम फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, गेम्स मिल जाते हैं, मोशन ट्रेल का ऑप्शन मिलता है और ये सब चीज़ मिल जाती हैं। अब गाइस एक चीज़ और चेक करनी थी यहाँ पे, फिर हम कॉल वाला फीचर चेक करेंगे, ये मैं ऐड कर रहा हूँ मैक्सिमम जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, वेट चेक करना, ठीक है कितना क्या वेट रहता है वॉच का वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं 54 दिखा रहा है यहाँ पे ग्राम्स, ठीक है अब यहाँ पे ऑल्ट की ओजी प्रो का चेक करते हैं, ओके ये तो ज़्यादा भारी है, मतलब 5 ग्राम ज़्यादा भारी है, 5 से 6 ग्राम। ठीक है अब गाइज कॉलिंग वाला फीचर चेक कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना लाउडनेस किस में बेटर मिलती है, किस में क्या चीज़ें मिलती हैं, ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं सिंगल ब्लूटूथ डबल ब्लूटूथ चिप में अंतर क्या होता है। सिंगल ब्लूटूथ चिप में ज़्यादा बैटरी चलती है, दूसरा डबल ब्लूटूथ चिप में थोड़ी सी कम बैटरी चलती है, ठीक है ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा सिंगल ब्लूटूथ चिप में जब कॉल वॉल आती है तो आपके वॉच पे आए तो वॉच पे रहेगी, फ़ोन पे आए तो फ़ोन पे रहेगी, बट डबल ब्लूटूथ चिप में आपका चाहे वॉच पे आए चाहे फ़ोन पे आए वॉच पे ही लाउड स्पीकर ऑन रहेगा, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वरना तो दोनों ही परफेक्ट हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑल्टो जी प्रो में लाउडनेस अच्छी है और ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इसमें। ठीक है अब गाइस वॉइस असिस्टेंट देखते हैं एक बार, वॉइस असिस्टेंट कहाँ गया इसमें, किया था मैंने चेक उस दिन, ये रहा। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद, इसमें थोड़ा सा इशू है कि मतलब माइक पे बोलते हो ना आप तो बहुत एकदम पास लेके जाना पड़ता है, देखा इसने सुना ही नहीं फरीदाबाद, जब सिर्फ सुना है दैट्स इट। अब इसमें चेक करते हैं ऑल्टो जी प्रो में, फायरबोर्ड की स्टारडस्ट में लाउडनेस अच्छी है बट यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये फ्लॉ है इसके अंदर, लाउडनेस इसमें मिलती है, इसमें क्लैरिटी बेटर मिल जाती है। ठीक है आपको वैसे वॉइस असिस्टेंट इसमें भी काम करता है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, 23 विद हेज टुडे, इट विल बी सनी विद अ हाई ऑफ 24 एंड अ लो ऑफ 11। ठीक है इस तरीके से वर्क करता है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे कॉलिंग वाला भी हमने चेक कर लिया, हाथ पे पहन के देखते हैं, एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की किसकी बेटर है और साथ में कंक्लूजन भी आपको दे दूंगा। ठीक है दोनों ही कमाल की लग रही है, मैंने हाथ पे पहन ली है दोनों ही वॉचेस और यहाँ पे ऑक्सीमीटर के साथ एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे हार्ट रेट चेक करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे भी हार्ट रेट, अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो 98% मतलब 98 एसपीडी दिखा रहा है और 79 हार्ट रेट दिखा रहा है हमारा 78 तक। ठीक है हार्ट रेट और यहाँ पे अभी स्कैन हो रहा है 79 हो चुका है और यहाँ पे 77, तो क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रही है आपको ऑल्टो जी प्रो, और फायरबोल्ट अभी स्कैन कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे कितना दिखाता है 78। ठीक है ओके 78 क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है, इसमें 85 हो चुका है, इसमें 78 79, तो स्टारडस्ट थोड़ी सी आगे निकल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो 79 है और यहाँ पे 81 हो चुका है, ओके वो कुछ ज़्यादा आगे जा रही है, तो यहाँ पे स्टारडस्ट थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करती है। SPU2 कहाँ गया इसमें, SPU2 चलिए गाइस कर लेते हैं SPU2, जब तक ये स्कैन होता रहेगा तब तक मैं आपको वो भी बता दूंगा, वर्डिक्ट भी दे दूंगा इसका। ठीक है देखिए गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको एप्पल और सीरीज अल्ट्रा का लुक चाहिए और साथ में सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ कोई वॉच चाहिए, बट अगेन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले क्वालिटी इतनी इसकी मैं कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसकी कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा है, लाउडनेस मतलब जो ब्राइटनेस लेवल्स इसमें और अच्छे मिलते हैं इससे अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ। ठीक है तो गाइज़ यहाँ पे विनर तो स्टारडस्ट ही रहेगी क्योंकि कलर एक्यूरेसी बेटर मिलती है और साथ में फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं इसमें, गेम्स आप थ्रू द फोन इटसेल्फ आप इंस्टॉल कर सकते हो इसमें जो 5-6 दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है और यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है कॉलिंग में इससे खासकर। ठीक है और इसमें और क्या बेटर मिलता है इसमें,
हाँ इसमें एक्स्ट्रा फीचर दुनिया भर के दे रखे हैं, जैसे कि आपको ECG मॉनिटर वो सब चीज़ें दे रखी है, बट उसको तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता आई नो। यहाँ पे कैलकुलेटर गेम्स तो हैं ही, पर्टिकुलरली मिल जाते हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले भी थोड़ी सी बड़ी मिलती है, स्लीक मिलता है। ये लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट के लिए परफेक्ट रहती है, बट ये लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है वाली वॉच, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वोट स्टार्टर्स को जाता है, बट अगर मैं यहाँ पे सिंगल बोर्ड चिप देखूंगा तो यहाँ पे मेरा वोट जाता है यहाँ पे ऑल्ट की OG प्रो को, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे विनर रहेगी फायरबोल्ट की स्टारडस्ट। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे भी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।